मेरो इंतजार को नहीं हुए बस दो भाइयों की कहानी सुनाओ नी आ कहानी के आ कहानी तय अठताई तो सुनी ली के दो भाइयों का मां एक जने तीसरे के राड़ पैदा कर दी वो कहनी के नहीं के कदी कदी गादड़ा से सिंह हार जावे भाई जी मेरू आज थोड़ी कौन लाई जे थोड़ी मंगाणी है तो दिहाड़िया कर लियो दिहाड़िया दिहाड़िया दिहाड़ी घटो दे सारे जका ना दोगे सुखी चौधर करे नी अन रिश्ता दे अरे प्रताप या आज तेरा तेवर बदलेड़ा किया लगा रे केंगा पटंगा चढ़ गयो तू राम राम गिरदास भाई राम राम भाई राम राम के हाल है के नहीं थारे आ तू मारो बटवारो कर जाओ बटवारो पर मन तो बता इसको ताऊ जी किंग नाम कराऊंगा हरी शोकन की नहीं कौन बताऊं मैं यार भी छोटी है कि के बताऊं आज वो दिन का अंकड़ रहे हो जब तक ये अंकड़ आवे तो न्यारो करके पूर फेंको नहीं पड़ने मैं की करो नहीं मैं सुनी है वैसे तो प्रताप का नाम करा दी ये किया उसके ने दो भाई बंटवारा दो ना भैया का दो दो को ये के बूढ़ी वैसे मैं की गिरदानी देख क्रीज कौन टूटने दे कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया अब देख आगे के हुआ कदे पलटी मार जावे वो कदे पलटी मार अरे छोरा वो आधार कार्ड और परिचय पत्र ए तो ला दिया वो मूल निवास के तन कयो ने कोर्ट में जरूरत पड़ेगी आज बेटा वसीयत लिखी जाएगी इकरारनामा होगा बेटा ओ लियो मूल निवास के इकरारनामा है गठी थे राड़नामो ना करा दियो रोड ले खेत उठ गया अपने वसीयत करा गया नी बस थोड़ी सी सेट करनी है गारंटी तो पार्ट देख रहा है चीज को मैं एग्रीमेंट करवाऊंगा देखो एग्रीमेंट ये आज मारे नाम मारी वसीयत कर दियो भाई जी के नाम दो बीघा कल थारे रजिस्ट्री थारा नाम करा दें करा दें पर आज मैं थारी वसीयत बदलूं कल ने जे थे बदल जाओ तो देखो आपा तो एग्रीमेंट करवावांगा अरे मेरी गारंटी है मेरे पड़ोसी तो है एकदम भाई वर्गा है मैं बैठे हूं नहीं हां जी कर दे दो लाओ डॉक्यूमेंट लाओ किंग नाम करनी है गिरदारी का अरे है भाई जी थार लगा के मेरे को पड़े यार बार बार पूछो ना आगरो थन बताए तो आज ते कागज जमा करा दियो और अपने जो 20% वाली बात करी भाई याद रख हां बकल आप थे आ जाए कर ले आज भाई जी हो गया अपना बाकी का कोई कागज दोस्त में आ जाऊंगा ठीक है राम राम ठीक है वकील जी ठीक है यार राम ठीक है तो गिरदार भाई जी अब थारो काम पक्का मैं जमीन और खेत दोनों थार नाम घर वाली हां हां और बढ़िया काम करियो यार बस मेरो वेरो ना पड़नो चाहिए को काम मैं करवा के दियो ना 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 कितनी ठाक होन बड़ा कन्नो कान खबर ही कोनी होंदा आपा जिक्र कदी बाद में करांगा अभी आपा बोलला ही कोनी है अब आप रुक बात है थारे घर मैं के सल्टोज की देख लिया मेरो नाम नहीं आनो चाहिए मैं सिर्फ मेरो पड़ोसी को धर्म निभाया आज मैं प्रताप का नहीं भी हो सको चिंता ना कर बढ़िया काम करियो मन से लोग करियो डॉक्टर साहब बापू तुम्हारे सुबह का बोलने नहीं कौन लाग रहा बुढ़िया तो कौन ही भाई हैं बुढ़िया तो बस इतना ही दिन का आर भाई बापू तो देखो ईश्वर ने मंजूर है अरे बिना बूढ़ा बापू मेरा मैं इन जमीन में घर को क्या करूँगा मैं कुछ ला चाहे तो गला लियो पर मेरा साथ ना छोड़ के जाओ प्रताप बापू ना पूरा होया ना 15 दिन हो गया घरे बैठे किया पार पड़सी खेत चालो लड़ी काम लागो भाई जी देखो काम बापू कौन करियो नी वो थे कर दियो के
बटवारो बटवारो चंगो बटवारो गर्गो और जमीन को बटवारो मेरे पंतिया वजह को मन दे दो भाई जी मैं आपकी कमाश हूँ आपकी खास हूँ बापू वसीयत में मेरा नाम करा गया सारी और घर है जमीन है मेरी तो मैं भाई जी तो खेत में चाल खेत में रह कर तेरे रोटी पानी भट्टी पुगा देंगा ना ना भाई जी मैं ये घर में ही जन्म लियो है इमें चालनो सीखो इमें मोटो हो मैं वो घर कौन छोड़ू भाई जी वो घर कौन छोड़ू भाई जी मैं इतना दिन तो आ घर में बापू जन तू घर में रह तो अब बैठा छड़ांगो के काम है घरेलू गाय बताई मानस भी है भाई जी पापा भी है मेरी मेरे माँ के समान है आजो चाय पी लियो चाय गणी पी ली भाभी जी मेरे वट कोई काम को नहीं तू बोलो उनसे कौन बोलने लग गए हाँ ते बहुत बड़ी बात कह दी भाई जी आज मेरे पर इतने विश्वास कौन रहे हो धोखो गिरी हो मेरे जगह ते हमने तो खेत में ठीक है भाई जी आज की इरली साइड की जमीन है नी और बाप पर ने दिखन ला रही है बिंगा रकबा का जितो भी काम हो नी वो मेरे का नहीं हो मेरे क्रेड हो ओहो समझ गए एक वक्त थारा क्रेड है रोज का सोट बजट है अच्छा सोट ही बजट है के बद्दे को नहीं मामलो काम पक्का में चेपड़ो है थारो राम 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 कमाल कर दी यार गया वकील जी यार थे तो मान हो यार नाल कर दिया यार थे तो तुरंत ही मेरो काम कर दियो है ये बातड़ी बैठो राम आ भैया बातड़ी ये है के जक्का का नाम कागज दिया बिंग नाम वसीयत कर दी आ लो वसीयत और जक्को तो मैं पढ़ के सुना दियो पढ़ के सुनाओ फिर गिरदारी वल्द राजा राम जाति दाखिल निवासी वार्ड 5 26 एसपीडी के नाम करी जाए दीदी यो गलत हो गयो गिरदारी वल्द मंगला राम है और निवासी है जो को 22 एसपीडी है तो मन ने तो जक्का का नाम कागज दिया बिंग वसीयत नाम कर दी बात अरे तो थे लड़ो ही क्यों जकी चीज थारी रही को नहीं गिरदारी वल्द राजा राम ओ तो मैं हूँ यार वो गिरदारी भाई जी थे पड़ोस में बैठे हो थाने मेरे पिताजी को नाम किसी उठा को नहीं आप जमीन तो थर बूटियो मेरे नाम कर गयो बना हरिद्वार घर गया तो पहले एक हंडी के मतलब हाथ में नहीं लगा दिया थैंक यू बोलने वाले ये किया उसका यार बूटियो थार नाम किया करा उसका वो तो मतलब थे मिल के मेरे साथ धोखो करियो है अरे क्या धोखो करे है मैं तो थारो काम भाई भाई को सुखो करे है कोई राड कौन रहे अब थार जमीन तो रही को नहीं भाई में कोई राड को नहीं नित की राड ना हूं मैं तो कहूँ ऐसी वसीयत अच्छी वसीयत अरे तय गिरदारी नाम को नजायज फायदा उठाए है मैं तेरे पर विश्वास करी होगा ओ मेरे पड़ोसी है मनो राय दिए अरे तय धोखो दे के जमीन मेरे नाम करवा ली निकल पा रहे तू अरे ज्यादा एकड़ी नहीं तू भी तो तेरे साकी भाई ने धोखो दियो मैं तो धोखो दे कौन सकू पास रू भी तो मिले जी तो आप जो ना ध्यान एग्री नहीं है चुपचाप बैठ जा अरे ओ भाई ते लड़ बाद में लियो पहला मेरे तो एग्रीमेंट होयड है नहीं तो कमीशन रखो हां तो इनके के गिरदारी मैं हूं मेरे नाम है जमीन हां तो तन के निपटानो है ओ लिख रहे देखो दियो वा बात खत्म अरे वकील है मेरा नाम होनी यार इधर आओ के को ओके रे कमीशन 50% आपने 20% में बात हुई है हां तो 20% तो असली गिरदारी का नाम होनी बात ही नकली गिरदारी का तो 50 ही लगेगा अरे ओए बल जाना कोर्ट पर मांडना तेरे बैंड वाला सा मेरे साथ ही धोखो अरे तो तू तेरे पड़ोसी साथ धोखो कर सके तो मैं तेरे से क्यों कर सकूं चुप चुपा तो मेरे कमीशन दे दी 50% बने आधी जमीन मेरी आधी जमीन तेरी कमीशन दे दी नहीं तो मैंने वकील कह लो वकील दूला हे कौन किलो किलूंगा तो मैं थान दोनों ने हे दोनों रलगेर मेरे साथ धोखो करियो है निकल जाओ मेरे घरों बारे अरे कौन सो घर है किसी घर है वो घर भी तो मेरा नाम है पतीलो गिरदारी सोचोगा मैं भाई सागे धोखो कर लियो गिरदारी सागे धोखो यो नहीं मैं क्यों गिरदारी की दोनों आंखिया खुल गई अब गिरदारी ने गलती को एहसास हो बाजो फिर वो आपका भाई प्रताप का माफी मांगने प्रतापड़ा
गरु काट के रब के लेना है भाई जी मेरे कने। मेरू गलती होगी भाई। गलती? बहुत मोटी गलती होगी। गलती क्या होगी भाई जी? गिरदारी कौन के काम है? बड़ापा दोनों भाइयों ने लड़ा के जमीन सारी आपके नाम लगा ली। ये क्या नाम लगा ली? कोई वकील के सागे बन के सेटिंग ही भी वकील मिल गए, हर जूठा कागजा का साइन करा के आपने दोनों की जमीन में नाम लगा ली। मैं तेने घरू काट के बहुत मोटो पाप करियो प्रताप, भगवान मैंने सजा दी है, मैंने घरू काट दियो और जमीन भी काट दियो। मेरी गलती होगी भाई, मैं भाइयों के प्यार में समझ कौन पायो। बापू सदा ही कहता कि एक रोगा नहीं संपत रहेगी तो बहुत आगे तक जाऊंगा, कामयाब होगा, और नहीं तो कोई ना कोई तीसरो फायदो उठा जाएगो। आई हुई है प्रताप आपने सक, आपनी थोड़ी सी लड़ाई होती तीसरो फायदो उठा गयो। मैं बहुत मोटी गलती कर दी, उसके तो मैंने माफ कर दी भाई। गिरदारी और वकील अब घटे, मन ने ध्यान है कि गिरदारी ठगी मार के खटा जा सके। वकील साहब 50% थोड़ो थे मारे है नहीं, अगले का तो यहाँ हो जमीन अपना हाथ कही, अब तो लड़ाई वकील और गिरदारी के बीच में है। अरे लड़ाई क्या गिरेगी रहेगी, बाकी ओ जो को फायदा है नहीं, और रेवेन्यू वकील मेरे पर को ही करवा सके, बाकी हरेक बस की बात को नहीं हो काम कराना। अच्छा हाँ। अरे मैं मुर्गे ले जदी तो बंद थे चौपड़ी, अगर थाने ठाई को नहीं के भाई राड है आपस में बम तो थे बटे क्या करता था, अगर पुग गया जदी तो थे कि आपको ज्ञान लगाओ लो तो मेरकन तो मुर्गी और मुर्गा इतरियां गया भाई। अरे गिरदारी डांग लेके आ गयो यार साल में। अरे गिरदारी को नहीं हो, बिगो भाई है प्रताप जोड़ ला है। जोड़ लो क्या, मुझे कैसा डांग तक रखे मन लागे हो तोड़ लो। अच्छा लागे तो पेमेंट तो आई देसी थाने पे, मैं ने लागे हिसाब करता ये भी नक्की चाल भैया। हां बोल के है ते आपका छोटा सा लालच खातिर माने दोनों भाइयों ने लड़ा दियो और जमीन सारी आपके नाम करा ली। जद मेरे आगे सौ थोड़ा सा एक्शन झाड़ने की जरूरत को नहीं है, तेरे भाइयों बात करिया है मैं जमीन मार नाम है तेरे बूढ़ियों करा के गए। हां मैं तो पानी के वकील साहब ने मारती हो तेरे पर तो कत्ल को केस लागे और जेल होगी। अरे आपको केस तो वकील साहब एक करके मर भी गया तो पाछा जीवता होके लड़ लेगा। ना 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 मैं कौन मारियो, अरे मैं तो बांकियो इतना वकील लंबो हो गयो। लंबो तो वकील हुए बट मैं थाने आला तल ले जाके नन हो रहेगा यार, हद तो होगी यार, आपस की लड़ाई थी लोगों के गले आता फिरो। अरे गुंडा कर दी थे करो, लोगों की जमीन थे नाम कराओ और मेरे बच्चे का करो तू। अरे अरे के हो बाजे गाड़ी आने लग रही फिर रोके कहते दो बंदा हॉस्पिटल को गाना लगता भाड़े भी ना पोसा भी जाएगा। अरे बेटा अरे मैं जा इतनी मारी को नहीं बांकी मैं तो यार। भाई जी डॉक्टर की दिक्कत होगी भाई,
छलो गले को अंक तो डॉक्टर साहब यार थे इतना छल्ला ल्याओ ही क्या मिलो थाने हर महीने एक छल्लो गालनो पड़े छल्ला कोनी है वकील ने तो गेले गाल दियो छल्ला थारो गल्ले कोन थारले डेण गई कुण के लाजी ने छल्लो पर डॉक्टर साहब की तो इलाज करो नहीं मर गयो तो मेरे बज्जे लाग सी नहीं नहीं देखो एक मिनट मैं कोशिश करूं थोड़ी सी के हां गोली दो हां क्या आराम है कुछ हां कुछ फायदो लागे हां ठीक है जल्दी करो भाई हां ठीक हूँ डॉक्टर जी की ठीक है का डॉक्टर जी चार पाँच दिन ही जिंदगी का मेरा ठीक है डॉक्टर जी मेरे मोटे मोटे समझ में आ गई है आ सजा मन के किस चीज़ की मिलन लग रही है अरे अब तू कौन सा बयान बदले है क्लाइमेक्स में थे आंखें खुलने वाला आ ही जाओ देख 50% में बात हो रही है मुकर ना आ जाई सलाह मेरे भाव एक गला तो दो गला ली कौन की ना ना गिरदारी तू रहने दे दिया तन ध्यान है मैं कितो मोटो पाप को भागीदार बन गया मैं दो भाइयों की जगीराड़ है नहीं इनको नजायज फायदे उठाए है भगवान को लाख लाख शुक्र है थारी आंख खुल गई नहीं तो मैं थारा खुन्ना खोलूं यार देख प्रताप तेरा खुन्ना खोलने पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आंख तो मेरी भी खुल चुकी है मैं और वकील साहब बहुत बड़ी छोटे से फायदा खातिर दो भाइयों की राड को एक नाजायज फायदा उठाए इन गलती की सजा अब मेरे सागे सागे वकील साहब ने मिलेगी और मैं खुद राजी हो गया सजा लेवांगा तो मेरी सजा आ है कि मैं आज बाद में गाँव में थाने कौन दिखूं पक्की कौन दू गाँव निकालो समझ लिया गिरदारी मेरी सजा भी बताई दे मैं देख लियो तो सागे की कौन सा अरे सागे तो मैं चाल छू थे तो दिन पांच का मेहमान हो बताई वसीयत मेरे नाम करा दियो मैं तो गांव निकलू हूं रेस्टू घड़े मैं दियो ने वसीयत थी हे जत मैं भाई जी बिंग बेकाम आगे बहुत ही मोटो पाप कर बैठू आप असल बात आ है कि जकी असली वसीयत है नी बा आ है थारी थारो बाप है जकी थारी वसीयत है नी जमीन है बात थारे दोनों भाइयों के नाम कर गयो ले भी डॉक्टर ले चाल मने भाई जी डंगर क्या रुखाड़ से आ ले भाई तो वकील हो थारे के काम को है देखियो भाई जी आपस में दो भाइयों ने लड़ा के 30 रुकियां फायदा उठा जे कोई माँ बाप आ कौन सा वके की औलाद ने कम दिया कि ने ज्यादा दिया माँ बाप तो घनी भाई भाइयों भाइयों में बांट बांट के देना चाहे पर आप ही दूसरे के बेकाव हम आगे और लड़पड़ा रही है बेम पाड़ लिया आज मार जमीन मार दोनों भाइयों को पछी मिलगी मैं भाई जी ने बताऊंगा वह कितना खुश हुआ गा थे भी धन्य हो बाबा जो को बंटवारो एकदम सही ढंगो करियो हार पीनी नाद कहानी किसी की लगी ओ दादा कहानी बहुत जबरदस्ती सुन के मज्जो ही आ गयो भगवान भी वकील है बहुत अच्छी शिक्षा दी आज ऐसी करनी वैसी भरनी दादा मेरो बटवारो कद करोगा के बोलियो बटवारो देख तो मैं शिक्षा अरे दादा मजाक कर रहा मुझे छोड़ दो अरे दादा मजाक कर कदे कदे गादड़ा सू सिंह खाल जावे कदे कदे गादड़ा सू सिंह खाल जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी